नया रांची के जिला अस्पताल में बना बच्चों के लिए अलग कोविड वार्ड। हिमाचल में पहली बार कोरोना से बचाव को लगाया मोनोक्लोन एंटीबॉडी इंजेक्शन। डेनमार्क कनाडा से 12, नीदरलैंड से 10% अधिक लैब भारत में, फिर भी जीनोम सीक्वेंसिंग कम। राजस्थान सहकारी समिति धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की 366 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। कोलकाता हाईकोर्ट में पूर्व क्रिकेटर अशोक टिंडा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र में एसआईआई के सीईओ ने कहा 18 साल से कम उम्र वालों की भी रक्षा करेगा कोवोवैक्स टीका। भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन के बीच मतभेद को दूर करने त्रिपुरा जाएंगे जेपी नड्डा। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे रामनगरी के विकास के वर्चुअल समीक्षा, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। आज फिर हल्की बारिश के आसार, तेज हवाओं से मिल सकती है राहत। बलरामपुर गोंडा तुलसीपुर मार्ग पर शिवनगर के पास सड़क दुर्घटना में 6 लोगों ने तोड़ा दम। अचानक मार्ग पर बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरने से सभी लोगों की हुई मौत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।